दोस्तों मीडिया रिपोर्ट की अगर माने तो तीसरा और आखिरी ओडीआई में श्रीलंका के खिलाफ खेल रही है रियान पराग। जी हां दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही सुन रही है, एक न्यूज हमारी हाथ लगी है जिसमें बताया जा रहा है कि आखिरी ओडीआई में रियान पराग को मौका जरूर मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर और एक नजरिया जरूर है, क्योंकि दोनों ही मैच में भारत की बल्लेबाजी असफल रहे, इसलिए आखिरी मैच में रियान पराग को मौका देकर साबित करना चाहेंगे। और दोस्तों अगर तीसरा मैच में रियान पराग को मौका मिलता है तो उस मौके पर रियान पराग को चौका लगाना पड़ेगा। दोस्तों T20 में तो इनिंग्स बिल्ड करने का मौका नहीं मिलता, आते ही छक्का लगाना पड़ता है, लेकिन ODI में एक बल्लेबाज अपने आप को बेहतरीन तरीके से साबित कर सकता है, क्योंकि अगर ODI में रियान पराग को 20 ओवर भी खेलने को मिलता है तो काफी है। दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ पहला मैच हो गया टाई, दूसरा मैच में 32 रन से हार मिला, इसलिए तीसरा मैच में काफी परिवर्तन देखने को मिलेगा टीम इंडिया में। अगर ऐसा होता है तो रियान पराग को मौका जरूर मिलेगा। अगर रियान पराग को तीसरा ODI में टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी का मौका मिलता है तो वो कमाल करके दिखाएंगे। दोस्तों पहला ODI के है या फिर दूसरा ODI, दोनों में ही भारतीय बल्लेबाज नहीं चल पाए, केवल रोहित शर्मा ने ही अच्छा बल्लेबाजी की, बाकी और कोई बल्लेबाज मैदान पर टिक ही नहीं पाए। दोस्तों विराट कोहली जैसा दिग्गज दोनों ही मैच में मैदान पर टिक ही नहीं पाए, बार बार उनके खिलाफ अपील हो रहे थे और अपना विकेट गवाकर जल्द ही मैदान के बाहर चले गए। शुभमन गिल दोनों ही मैच में टेस्ट मैच की तरह काफी स्लो खेलते हुए दिखे, जिसकी वजह से टीम इंडिया की रन काफी पीछे रह गए। अगर दोस्तों पावर प्ले में ओपनर इतना स्लो खेलेंगे तो बाकी बल्लेबाज क्या करेंगे। दोस्तों पहला मैच में ऊपर भेजा गया वाशिंगटन सुंदर को, अगर यहां पर रियान पराग को मौका मिलता तो मैच का हालात अलग ही होता। रियान पराग 4 नंबर पे बल्लेबाजी करते हैं, हम लोगों ने देखा IPL 2024 में आसाम के लिए भी वो 4 नंबर पे बल्लेबाजी करते हैं। अगर 4 नंबर पर रियान पराग को मौका मिल जाते हैं तो वो कमाल कर देंगे, धमाल कर देंगे, दो ती फार के रुमाल कर देंगे। दोस्तों दूसरा मैच में भी अक्षर पटेल को 4 नंबर पे मौका मिला, लेकिन रियान पराग बाहर बेंच पर बैठे रहे। अगर रियान पराग को दूसरा मैच में भी मौका मिला होता, 4 नंबर पे बल्लेबाजी मिला होता, तो रियान पराग यहाँ पर लंबा स्कोर बनाकर दिखा सकते थे। दोस्तों 4 नंबर पर श्रेयस अय्यर टीम इंडिया के लिए काफी दिनों से बल्लेबाजी करते आ रही है और अच्छे बल्लेबाजी भी किया है उन्होंने, लेकिन इन दोनों मैचों में ही श्रेयस अय्यर ने खराब बल्लेबाजी की, ज्यादा रन नहीं बना पाए। ये 4 नंबर की जरूरत है रियान पराग को, ये 4 नंबर पोजीशन अगर टीम इंडिया में मिल जाता है रियान पराग को तो वो रन बना के दिखाएंगे। दोस्तों हमारा विकेट कीपर बल्लेबाज पहला मैच में फ्लॉप रहा और दूसरा मैच में अपना खाता नहीं खोल पाया, अगर इस तरह से बल्लेबाजी करेंगे तो टीम इंडिया किस तरह से जीतेंगे। लेकिन दोस्तों रियान पराग को टीम इंडिया में जिस तरह से फिनिशर के रूप में देखा जा रहा है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अगर मीडिया रिपोर्ट की माने, अगर मीडिया रिपोर्ट सच है तो आखिरी मैच में रियान पराग को मौका मिलेगा, अगर उन्हें मौका मिलता है तो उन्हें ऊपर बल्लेबाजी के लिए भेजना चाहिए। रियान पराग की बल्लेबाजी की काबिलियत में कोई संदेह नहीं है, रियान पराग की गेंदबाजी की काबिलियत में कोई संदेह नहीं है, लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट, IPL की क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट अलग होता है, पेशार अलग होता है, इसलिए इंटरनेशनल में उनको साबित करने के लिए मौका देना चाहिए। अगर नीचे बल्लेबाजी देंगे, कुछ ही गेम अगर उनको बल्लेबाजी के लिए मिलेगा तो अपने आप को कैसे साबित करेगा। अगर किसी बल्लेबाज को मौका देना है तो अच्छी तरह से मौका दीजिए, अगर किसी गेंदबाज को मौका देना है तो अच्छी तरह से मौका दीजिए। रियान पराग एक टैलेंटेड खिलाड़ी है, उनको अच्छी तरह से अगर मौका देंगे तो वो अपने आप को साबित करके दिखाएंगे। रियान पराग में काबिलियत है, इसमें कोई संदेह नहीं है, रियान पराग में टैलेंट कूट कूट के भरा है, इसमें कोई संदेह नहीं है, सिर्फ एक मौके की तलाश है। T20 में जो बल्लेबाज इतना शानदार बल्लेबाजी करते हैं, सोचिए वो बल्लेबाज ODI में क्या कर सकते हैं। लंबा हिट रियान पराग खरे खरे लगा सकते हैं और पेशार को जिस तरह से झेलते हैं रियान पराग, मुझे तो नामुमकिन सा लगता है। जितना भी पेशार हो रियान पराग ठंडे दिमाग से खेल सकते हैं और स्ट्राइक रेट रियान पराग का हमेशा ही अच्छा रहता है। दोस्तों रियान पराग जिस तरह की बल्लेबाज है, अगर दोनों ही ODI में रियान पराग को बल्लेबाजी का मौका मिलता तो आज टीम इंडिया का हालात अलग होता, दोनों ही मैच
टीम इंडिया जीत रहा होता, 2-0 से टीम इंडिया इस समय आगे होता। लेकिन क्या हुआ, पहला मैच टाई हो गया और दूसरा मैच में टीम इंडिया को मिला हार। देखा जाएगा टाई और हार की बात टीम इंडिया क्या फैसला लेती है, क्या रियान पराग को खिलाते हैं, अगर खिलाती है क्या उन्हें टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी का मौका मिलती है, अगर खिलाती है क्या उन्हें गेंदबाजी का मौका मिलती है, यह देखने वाली बात होगी। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या आखिरी मैच में रियान पराग को टीम इंडिया में मौका मिलेगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों से विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे, जय हिंद।